कूव्स, यस, मसाबा एक्स कूव्स। हमें यहाँ पर क्या कुछ हमें दिखाई दे, हो गया सब का? डन। तो ये कूव्स के बारे में सबसे पहले जानना चाहिए। ये स्पोर्ट्स वेयर लाइन है, एथलीजर जो कहते हैं, जो तो ये एथलीजर कलेक्शन है जो सबसे बड़ा ट्रेंड है राइट नाउ ग्लोबली। और बेसिकली हमने जिम के लिए जो काफ़ी कूल प्रिंटेड कपड़े बनाए हैं जो आप हर रोज़ भी पहन सकते हैं। तो आप ऑफिस में भी पहन सकते हैं, आप घर पे पहन सकते हैं, आप जिम में पहन सकते हैं, डांस क्लास में पहन सकते हैं। तो जो मेरी सिग्नेचर प्रिंट्स हैं मैंने वही उठाकर कूव्स के कलेक्शन में डाले हैं। तो बहुत ही अफोर्डेबल रेंज है, 800 to 1500 इज़ द रेंज। एंड बहुत एक्साइटिंग है क्योंकि ये लॉन्च आज 10 बजे हो रहा है साइमल्टेनियसली पार्टी के साथ। तो होपफुली काफ़ी सारे लोग इसे शॉप करेंगे लाइव। और हम ये वेबसाइट पे कुछ, हाँ जी, सो कूव्स.com पे लाइव जाएगा कलेक्शन आज रात 10 बजे। और उसके बाद कल से तो यू कैन शॉप। ये ऑनलाइन, सिर्फ ऑनलाइन? हाँ, ऑनलाइन का इरादा कब से आया कि आई थिंक ऑनलाइन आजकल इतना बड़ा बिजनेस है। हाँ नहीं, ऑनलाइन मैंने काफ़ी काम किया हुआ है मिंत्रा के साथ और इन सब। सॉरी, शुड नॉट हैव टेकन दैट नेम, एनीवे, कट इट आउट। ऑनलाइन में मैंने काफ़ी काम किया हुआ है, बट कूव्स के साथ बहुत ही स्पेशल कोलैबोरेशन था क्योंकि स्पोर्ट्स वेयर है। और आई थिंक आजकल ऑनलाइन इतना बड़ा बिजनेस हो गया है कि हर कोई ऑनलाइन शॉप कर रहा है, तो इट ओनली मेक्स सेंस कि हम ऑनलाइन प्रेजेंस रखें। तो हम ऐसा माने कि एक अच्छी डिज़ाइनर होने के साथ साथ में अब आपने एक अच्छी बिजनेस वूमेन, थैंक यू, की प्लानिंग की आपने, ऐसा हम माने? प्लानिंग तो नहीं है, बट आई थिंक ऐसा हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि हमेशा कोशिश ये है कि लोग जानें कि फैशन बेकार की बात नहीं है, इट्स अ हार्ड प्रोफेशन। और इसमें बिज़नेस की बहुत ज़रूरत भी पड़ती है, बिज़नेस एक्यूमेंट की बहुत ज़रूरत पड़ती है। इसलिए जो भी मैं अभी कर रही हूँ वो बिज़नेस की तरफ से सोच के कर रही हूँ, यही नहीं कि सिर्फ ग्लैमर और फैशन के पीछे जाना है, बिज़नेस बनाना है आई थिंक जो काफ़ी काफ़ी साल चले। क्योंकि आज की शाम आपसे जानना चाहिए कौन कौन आने वाला है और एक्साइटमेंट होने वाली आज की फैशन, पूरा फैशन क्राउड आ रहा है। और मेरी दोस्त मंदिरा आ रही हैं, पर्निया मेरी दोस्त आ रही हैं जो खुद फैशन डिज़ाइनर हैं, खुद उनका ऑनलाइन पोर्टल है। और मंदना करीमी आ रही हैं जिनकी अभी अभी शादी होने वाली है। और सोना चौहान आ रही हैं, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग मिक्स है। एक एक आपके सवाल कि वुमेंस डे भी आ रहा है, तो क्या इम्पोर्टेंट लगता है आपके लिए वुमेंस? आई थिंक वुमेंस के लिए, वुमेंस डे के लिए मेरा ये मैसेज है कि वी आर इक्वल टू मैन। आई थिंक ये अब काफ़ी सालों से ऐसे बातचीत हो रही थी कि आर वुमेन इक्वल टू मैन, बट अभी ये काफ़ी पक्का हो गया है कि वुमेन भी पावरफुल पोजीशंस में रहती हैं, वुमेन भी बहुत बड़ी जॉब्स कर रही हैं, फैमिलीज चला रही हैं, हर चीज़ साथ कर रही हैं। तो आई थिंक दैट्स माई मैसेज टू वुमेन कि काम हमेशा करना और सिर्फ घर पर मत बैठो, काम करो और फिर ही आपको रिस्पेक्ट मिलता है। थैंक यू सो मच। किसका बोल है?
Hi, hi. How are you? Good, how are you? So what did you say about Masaba's exclusive? It's a side launch, well, and it's a different collections here. What's your feeling about this? For me, I'm a fan of Masaba. I've always liked her style. And I think she's unique, and she's very comfortable and confident about who she is. And each time she does push her boundary, so I'm looking forward to another lovely event of hers. And particularly, which kinds of collection you like, specific Masaba's collection? That's the thing, they're all unique, so I can't pick and choose from one particular style or an event or a particular collection, because she has such a variety that they all strike a chord. And what's your style mantra? My style mantra, be comfortable and exploit your own style. And in the upcoming 2017 project? Yes, I do have a Tamil film releasing maybe in either May or June. We still are deciding when to release. So yes, I do have a Tamil film releasing soon. And Lali Ki Shadi, maybe we're still in talks. Yeah, we're still in talks of when to release. So stay tuned for all this. I think shooting is done. Lali Ki Shadi will be done. Yes. So how was the experience, you and Brilliant. I think Gurmeet? Yeah, so and Vivansha. It was an amazing experience. Very professional, talented actors. I've learned a lot from them, and I made a really nice friendship with them that will, I know, last for a long time, and I will always cherish it. What are you releasing the film? That you'll have to ask the producer and director. Okay, okay. And also one more last question. Women's Day is the corner. What's your day? Women's Day? Women's Day, well, every day should be a Women's Day, because we need to be celebrated every day, and so do men. So let's celebrate each other every single day. Thank you. Thank you.
यू. मैं मसाबा को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा. आई थिंक शी इज़ अ वेरी 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 टैलेंटेड डिज़ाइनर, वन ऑफ द बेस्ट वी हैव. हमारे देश में उन्होंने बहुत नाम कमाया है. अभी वो फोर्ब्स के कवर में भी आई थी 30s के. मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, बट नॉट बिकॉज मेरी अच्छी दोस्त है मैं उनकी तारीफ कर रहा हूँ. आई थिंक शी डिज़र्व्स ऑल द प्रेजेस एंड वी आर जस्ट हियर टू सपोर्ट हर. मैं तो मेल्स का ही पसंद करूंगा ना यार, कैसे सवाल पूछ रहे हो यार. मतलब देखिए, मैं मेल कलेक्शन पसंद करता हूँ पहनने के लिए और फीमेल कलेक्शन पसंद करता हूँ देखने के लिए. यू लाइक दैट काफ़ी सारे फिल्मों में काम करें एज पूजा फिल्म्स, बट एज एन एक्टर मैं एक फिल्म पे अभी काम कर रहा हूँ जिससे मैं फाइनली इंस्पायर हुआ 1.5 साल बाद, और उम्मीद करता हूँ उसके बारे में जल्दी कह पाऊँगा. मतलब ये बायोपिक होगी या क्या होगी? बायोपिक नहीं होगी, ये एक कहानी है, अच्छी कहानी है. बायोपिक नहीं है, मुझे एक बायोपिक करनी है, सब कर रहे हैं, बट ये बायोपिक नहीं. इसमें एक लाइफ का मैसेज है, तो मैं आई थिंक जब पक जाएगा और तैयार हो जाएगा तो मैं बता पाऊंगा. ये जो लुक है उसी नहीं नहीं ये तो सिर्फ मेरा पार्सी लुक है. नहीं चलिए, मैं सब बता दूंगा तो फिर क्या फायदा. थैंक यू. I love the prints. I love, honestly, I think Masaba is really quirky. I think she's really fun. I think she plays around with prints so beautifully. And I'm just really happy to be wearing this. It's something that I actually would wear. And I love working out. I love that she's actually come out with like a workout collection. A lot of designers don't really do that. And the fact that she's done it is absolutely fabulous. And I'm going to wear this in the gym in the next few days too. Like I love something fun and quirky and different. I think a lot of actors and actresses always look out for something different, and I think with Masaba's prints she really does that. And I think she's really trendsetted when it comes to just using different prints and just getting something quirky for like girls. Yeah.
Right now I'm finishing my South films, please let me just do that first. Hoping for another international project with any other biggest star. See, honestly, this just came by chance. I really wasn't looking for it. If something comes along, then I'll definitely take it up. But I think, for me, I think it's just luck by chance now, honestly speaking. Thank you, guys. Is a very lucky number, but 4 is my favorite number. Well, मैं बहुत excited हूँ. मैं पहनी हूँ इनके collection का एक नमूना, और I'm very excited and very happy for her. She's super talented and a very dear friend of mine. So I'm here to be with her and have a little bit of. Yes, जो मैं ये sweatshirt पहनी हूँ काली वाली. किस तरह की collection, किस तरह की attire? I'm glad that you know, generally she's got a very different kind of feel to her clothes, but ये जो sporty collection है, even this is quite out there yet very wearable. So yeah, I'm happy. I think शायद मैं कुछ और ऑर्डर करूँगी अपने लिए पहनने को, और आप देखेंगे पिक्चर्स में. आई मीन पर्सनल स्टेप के ड्रेस में पसंद करते हैं जी. इन पर्सनल लाइक मींस व्हिच काइंड ऑफ ड्रेस यू लाइक द मोस्ट, हाउ आई मीन कंफर्टेबल. मेरे को स्पॉटी कपड़े सबसे अच्छे लगते हैं. आई थिंक दे आर वेरी कंफर्टेबल. जैसे मैं जो अभी पहनी हूँ, इसको मैंने एक शर्ट के साथ ड्रेस अप किया है, बट जनरली मैं बहुत ही नॉर्मल कंफर्टेबल स्पॉटी लुक मुझे अच्छी लगती है. In one word, you like to describe a Masaba collection, what you do? I think it's uber cool. Where are you going? Sorry.
होली पर एक बहुत अमेजिंग गाना आ रहा है, मैं आप सबको इन्वाइट करूँगी अनाउंस करने के लिए बहुत अच्छे से, एंड बहुत अच्छे अच्छे पिक्चरों में भी गाने आ रहे हैं, सो एंड सम रियली गुड कोलैबोरेशंस एंड एक दो बहुत अच्छी न्यूज अनाउंस करने वाली हूँ। होली का ये जो गाना मतलब नहीं, मैं अपना इस साल बहुत सारा सारे कोलैबोरेशंस करे मैंने नेशनल एंड इंटरनेशनल, जो मैं पिछले 6 महीने से उनके ऊपर काम कर रही हूँ, तो वो अब निकल के आ रहे हैं। कोई गाना आज के दिन नहीं, नहीं मैं आज कैसे गा सकती हूँ, आई टू हैव यू ओवर वन डे एंड आई विल डू अ स्पेशल दिस थिंग, टुडे इज फॉर मसाबा, आई एम हियर फॉर हर एंड आई एम वेरी एक्साइटेड, आई एम गोना हैव अ गुड टाइम विद हर नाउ। ओके थैंक यू, थैंक यू जी। आई थिंक सबसे पहले तो मैं डेफिनेटली मसाबा को एक बहुत बड़ा थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने ये इतना एक इंटरेस्टिंग और बहुत ही कंफर्टेबल रेंज यू नो निकाला है, और आई एम रियली लाइक यू नो एंजॉइंग वेयरिंग, आई एम वेयरिंग दिस रियली नाइस एंड कम्फी ट्रैक पैंट्स, एंड आई एम समबडी जो हमेशा मैं ट्रैक पैंट्स में ही ऑलमोस्ट रहती हूँ, तो आई थिंक इट्स ग्रेट एंड शी इज़ यू नो जस्ट मेड दिस एट लेजर कलेक्शन और एट लेजर you know even more fun by her quirky inputs into it, and great, I think it's great that Kooves is hosting this, and like we all know Kooves ek aisi you know e-commerce website hai jo bahut sare designers ko ek hi jagah par you know they sell the affordable designers, so it's a one stop shop, and Kooves is something that I you know go to every time I'm looking for an outfit. You also have worked brand for many designers, so you find the most innovative aspects of the industry.
I think Masaba is definitely one of the most innovatives. I think wo jis tarike ki sarees banati hain and the kind of, you know, her prints are very, very interesting. So Masaba has to top the list of designers. Yes, my film is about to release called Jack and Dil. It's with Amit Saad and Arbaaz. But I don't, the date is not confirmed yet. And this is new tattoo? No, it's a very old tattoo. First time I've seen it. You don't see me probably. And aur kya kuch chal raha hai aapki life mein? Life mein, I think, well, there are some very, very interesting things and I'm just keeping my fingers crossed that they happen, and if they do, then I think it'll be a very interesting thing for everyone to watch. Hi everybody, I'm Shah Rukh Khan, and watch me only on facebook.com/businessofcinema.